हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्विस फेडरल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने लेजिस्लेटिव प्रोसेस की, जिससे कहा कि जो स्विट्जरलैंड के फेडरल पार्लियामेंट है वो कैसे लॉ बनाती है। तो अब इसका जो लास्ट ऑर्गन है जुडिशरी, तो आज हम करेंगे स्विस फेडरल सुप्रीम कोर्ट, इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है। तो जो स्विट्जरलैंड का थर्ड ऑर्गन है, जिसको जंगस्ट ऑर्गन कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ही है, जिसको फेडरल सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की तरह पावरफुल नहीं है, इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है जैसे हमारी कंट्री में जुडिशरी को दी गई है। हमारी कंट्री में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशियल रिव्यू है, इसकी पावर है। लेकिन जो स्विट्जरलैंड है, इसमें जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है। एंड जो जुडिशरी है, इसके फंक्शंस भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड फंक्शंस हैं, तो इसके पावर्स बहुत ज्यादा कम है। जैसे स्विट्जरलैंड की फेडरल गवर्नमेंट है, एग्जेक्टिव सिस्टम है, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जी सब कुछ यूनिक है, वैसे ही जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी यूनिकनेस नहीं है। ये एक आम कोर्ट की तरह है, ये कोई सुपीरियर या अपेक्स कोर्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंडर कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट नहीं है। तो इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, एंड इससे पहले हम करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्विस फेडरल सुप्रीम कोर्ट। जो स्विट्जरलैंड की फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1848, इसके थ्रू फर्स्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। तो स्विट्जरलैंड में फर्स्ट फेडरल सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होती है इन 1848। जब इसको एस्टैब्लिश किया गया, तो इसकी पावर्स को बहुत ज्यादा लिमिटेड रखा गया, तो इसकी पावर्स बहुत ही कम पावर्स थी। जैसे जैसे टाइम पास होता गया, तो जैसे अदर कंट्रीज थी, उन कंट्रीज ने अपनी जुडिशरी को बहुत सारी पावर्स दी थी, वैसे ही इन्होंने भी ये रेकग्नाइज किया कि जुडिशरी को कुछ पावर्स देनी चाहिए। तब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1874 में, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको टोटली रिवाइज किया गया था इन 1874। इसमें बहुत ज्यादा पावर्स है, इन पावर्स को इंक्रीज किया गया। पहले बहुत ही लिमिटेड पावर्स थी, तो कुछ हद तक इनकी पावर्स इंक्रीज की गई। जैसे उसके बाद 1889 में जो केसेस थे रिलेटेड टू लोन बैंक्रप्सी, ये केसेस भी अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई कि आप जो केस है वो सुन सकती हैं। फिर 1929 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, जो पावर थी, वो भी फेडरल सुप्रीम कोर्ट को दी गई। 1937 में क्रिमिनल कोड है वो बनाया जाता है, 1907 में सिविल कोड बनाया जाता है। तो इसके थ्रू जो जुडिशरी है, इसको बहुत सारी पावर्स है, वो पावर्स दी जाती हैं। और उसके बाद आज का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2000। जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने और भी ज्यादा पावर्स दे दी, जो 1848 में दी थी, 74 में दी थी, 2000 में और भी ज्यादा पावर्स हैं, वो फेडरल सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। तो इसके पास आज के टाइम में वाइड पावर्स है इन सिविल, क्रिमिनल एंड पब्लिक लॉस। लेकिन ये पावर्स इतनी भी ज्यादा वाइड नहीं है जितनी पावर्स हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं, या फिर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। उनके अकॉर्डिंग जो बहुत ही कम पावर्स है जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्विट्जरलैंड को दी गई हैं। तो आज के टाइम में जो कैंटन्स हैं, कैंटन के पब्लिक लॉस हैं, इनकी डिस्प्यूट है, वो भी सॉल्व कौन करती है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट करती है। और जो कैंटन्स हैं, कैंटन्स के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कौन करती है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट करती है। इनको बहुत ही कम पावर्स है वो दी गई है। तो आज के टाइम में ये पावर्स इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन इनको पावरफुल फेडरल सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जा सकता। तो ये इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, हम ये भी करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ फेडरल ट्रिब्यूनल, जो
जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की तरह इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है। तो जो हिस्ट्री की बात करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट, जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है इसकी कैसी कॉम्पोजिशन है। तो जो इसका टाइटल 5 है चैप्टर 4 उसके आर्टिकल 188 से लेकर 191 तक जो फंक्शंस है वो फेडरल सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड है। तो ये डील्स करती है विद ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द फेडरल सुप्रीम कोर्ट। जो आज के टाइम में स्विट्जरलैंड में फेडरल सुप्रीम कोर्ट है इसमें 26 जजेस है एंड इसके अलावा 12 अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट जज भी हैं। तो टोटल वहां पर 38 जजेस है। तो जो अल्टरनेट जजेस होते हैं ये क्या काम करते हैं, जो रेगुलर जजेस हैं जब ये एब्सेंट होते हैं उस टाइम अल्टरनेट जज है वो वर्क करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग कभी भी ना रुके इसके लिए अल्टरनेट जजेस हैं, इनकी भी प्रोविजन की गई है। अल्टरनेट जजेस वर्क इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलर जजेस, इस तरह वहां पर 38 जजेस हैं जिसमें 26 हैं वो रेगुलर और 12 अल्टरनेट जजेस कहा जाता है। देन क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट, जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, जो इनकी क्वालिफिकेशंस है वो कैसे डिफाइन की गई है। इसके लिए कहा गया है कि वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भी होनी चाहिए। तो स्विट्जरलैंड में क्या कहा गया है, एनी स्विस सिटीजन हु इज क्वालिफाइड टू बी द इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड द जजेस ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट। वो फेडरल सुप्रीम कोर्ट का मेंबर बन सकता है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड है। तो वहां पर कोई भी लीगल क्वालिफिकेशंस है वो फिक्स नहीं की गई है कि वो लीगली एडवाइजर होगा, लीगली क्वालिफाइड होगा, इसको फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन जो कन्वेंशन बन चुकी है, जो भी फेडरल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो लीगली क्वालिफाइड होते हैं इनका कॉन्स्टिट्यूशन जे डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन क्या है, जो हाई लीगल क्वालिफाइड होते हैं, लीगल बेंट ऑफ माइंड है, उनको ही सुप्रीम कोर्ट का जजेस है वो इलेक्ट किया जाता है। वहां पर इलेक्शन होती है ना कि नॉमिनेशन होती है। एंड वहां पर क्या है, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बेस पर जो मेंबर्स हैं उनको एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन दी गई है। लैंग्वेज बेस का मीनिंग क्या है, वहां पर 4 नेशनल लैंग्वेज हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन एंड रोमांच। इनमें से ये कहा गया है कि जो 3 मेन लैंग्वेज है जो जजेस है इन 3 लैंग्वेज के होने चाहिए, उनको ऐसा नहीं है ओनली 1 लैंग्वेज जर्मन जैसे 70% पॉपुलेशन स्पीक करती है सिर्फ वो ही पर्सन है उनको जज अपॉइंट करना चाहिए। वहां पर जज है, जजेस ऐसे अपॉइंट करने चाहिए जो डिफरेंट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हो। तो वहां पर इस चीज की प्रोविजन की गई है कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। और इसके अलावा ये कहा गया है जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो फेडरल पार्लियामेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, जो भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस है इनके मेंबर नहीं होने चाहिए। ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल। इस तरह जो भी पर्संस हैं उन पर्संस में जे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के मेंबर ना हो तभी इनको इलेक्ट किया जाता है। तो जी होगी क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट। अब हम करते हैं जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है इसकी जजेस की इलेक्शन कैसी होती है और इनका टेन्योर कितना है। तो जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इन जजेस को इलेक्ट किया जाता है, अदरवाइज हर एक कंट्री में इनको अपॉइंट किया जाता है, जो नॉमिनेट किया जाता है। जो जजेस हैं वो भी इलेक्ट कैसे होते हैं, बाय फेडरल पार्लियामेंट इन इट्स ज्वाइंट सेशन। जो फेडरल पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होता है उसमें ही फेडरल पार्लियामेंट जो जजेस है इन जजेस को 6 इयर्स के लिए अपॉइंट करती है। तो जजेस का टाइम पीरियड कितना हो गया, 6 इयर्स हो गया। तो इसमें क्या है, जे भी कहा गया है
जो जजेस है उनको री इलेक्ट भी किया जा सकता है, री इलेक्शन की प्रोविजन भी है। इसलिए तो क्या है, वहाँ के जो जजेस है इनको अगेन एंड अगेन इलेक्ट किया जाता है, इस तरह वहाँ पर री इलेक्शन की प्रोविजन है। लेकिन जो टिनोर है वो 6 ईयर का ही फिक्स किया गया है। अब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट, जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है इसका भी एक प्रेसिडेंट होता है एंड वाइस प्रेसिडेंट होता है। जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट के जो भी मेंबर्स है, इन मेंबर्स में ही एक प्रेसिडेंट एंड एक वाइस प्रेसिडेंट है, वो इलेक्ट किया जाता है बाय द फेडरल पार्लियामेंट ओनली फॉर 2 ईयर्स। तो वो 2 ईयर्स के लिए ही इलेक्ट किए जाते हैं। एंड जी कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट बना दिया गया उस प्रेसिडेंट को उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म तक री इलेक्ट नहीं किया जाएगा। मीनिंग जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया 6 इयर्स के लिए, वो दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, ताकि जितने भी अदर प्रेसिडेंट हैं इनको भी प्रेसिडेंट बनने का मौका मिल सके। तो आप सभी जजेस को ये मौका दिया जाना चाहिए, इसीलिए एक मेंबर को दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो मेंबर्स हैं, जजेस हैं, इनको नेक्स्ट टिनोर में वही जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये थी कंपोजिशन ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट। जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे इंडिया की फेडरल सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है। तो जो इनकी इंडिपेंडेंस है, इस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि जो स्विट्जरलैंड की इंडिपेंडेंस है, इनके लिए क्या प्रोविजंस की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर्स है इनको तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही, पॉलिटिकल पार्लियामेंट के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। तो इसकी इंडिपेंडेंस पर क्वेश्चन मार्क है वो अराइज होता है। तो इलेक्शन ऑफ जजेस रिगार्डेड एज बैड प्रैक्टिस, क्योंकि इसकी इलेक्शन फेडरल पार्लियामेंट के थ्रू होती है, इसीलिए कोई भी मेंबर जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है वो फेडरल पार्लियामेंट के साथ लिंक बनाना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए तो जो इनकी इंडिपेंडेंस है, इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ ओपन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इन पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसा है, ओपन है, तो जो इंडिपेंडेंस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो जो इसकी इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए इसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, वहां पर जो प्रोविजन है कि जो जजेस हैं उन जजेस को री इलेक्ट किया जाएगा एज लॉन्ग एज दे लिव एंड केयर टू सर्व, जब तक वो सर्व कर सकते हैं उनको री इलेक्ट किया जाए। एंड इसके अलावा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इससे दूर करने के लिए इनकी सीट क्या है, वहां पर जो बर्न है, बर्न में ना रखकर वार्ड की कैपिटल लॉसन में रखी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इससे हम इनको दूर कर सकते हैं। अगर इनकी सीट को अलग रखा गया है, इसका कोज भी यही है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो वहां पर ना आए और जो जजेस है फ्रीडम के साथ काम कर सके। तो इंडिपेंडेंस के लिए ये प्रोविजंस की गई है, लेकिन ये प्रोविजंस सफिशिएंट नहीं है, जिस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि वहां की फेडरल सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है। इनको जो जजेस है सिक्योरिटी भी दी गई है, लेकिन वो प्रोविजन भी सफिशिएंट नहीं मानी जाती हैं। तो ये थी कंपोजिशन। अब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट। जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है इसके ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं, इसमें कैसे वर्क होता है। तो इसका जो वर्क है वो चैम्बर के थ्रू होता है। तो इसमें 4 मेन चैम्बर्स हैं एंड 3 अदर चैम्बर्स हैं। तो जब भी फेडरल सुप्रीम कोर्ट के जजेस है इलेक्ट होते हैं, तो जो फुल मेंबर्स है वो आपस में मिलते हैं, उसमें जो चैम्बर्स है चैम्बर के मेंबर्स बन जाते हैं। इन्हीं चैम्बर्स में एक मेंबर को चैम्बर का प्रेसिडेंट बना लिया जाता है। तो जो 4 मेन चैम्बर्स हैं वो कौन से हैं, चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन, फेडरल पीनल कोर्ट, क्रिमिनल चैम्बर एंड कोर्ट ऑफ सेसेशन। ये 4 मेन चैम्बर्स हैं एंड 3 अदर चैम्बर्स हैं, जैसे द कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सिविल लॉ कोर्ट, क्रिमिनल अपील कोर्ट। तो ये अदर चैम्बर्स हैं। इन चैम्बर्स में जो जजेस हैं वो
बहुत जल्दी अपना अपना काम करते रहते हैं, तो जो इसकी वर्किंग है वो ना ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है ना ही ज्यादा रिसेंट है। इसलिए जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग है जो बहुत ही स्मूथ वर्क है वो करती है। तो इसका कोरम कितना डिफाइन किया गया है, तो कोरम है चैम्बर टू चैम्बर डिपेंड करता है। तो इसमें जो 5 से लेकर 7 जजेस है वो हो सकते हैं। इस तरह वहाँ की जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है जी अपना काम करती है। तो इस तरह आज हमने स्विट्जरलैंड की जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है इसकी कॉम्पोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे जुडिशियल ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।